जनता की अदालत में जनता का आशीर्वाद लेकर बीजेपी दोबारा सत्ता में आ गई और मोदी सरकार ने दोबारा सत्ता भी संभाल ली। इसी बीच शपथ के बाद सभी मंत्री एक्शन में दिख रहे हैं। जैसे ही राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्री का कार्यभार संभाला, उसके बाद एक्शन में दिख रहे हैं राजनाथ सिंह और सोमवार को जम्मू कश्मीर के सियाचिन ग्लेशियर पहुंच गए। यहां पर उन्होंने अधिकारियों से मुलाकात की और बॉर्डर पर तैयारियों का जायजा लिया। सियाचिन के दौरे के बाद राजनाथ सिंह श्रीनगर पहुंचे। रक्षा मंत्री के साथ सेना प्रमुख बिपिन रावत भी मौजूद थे। बता दें कि बतौर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये पहला सियाचिन दौरा है। अपने दौरे के दौरान वे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद निरोधक अभियान का जायजा लेने के साथ ही पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर सुरक्षा तैयारियों का जायजा लेंगे। केंद्र में दोबारा मोदी सरकार के शपथ लेने के बाद रक्षा मंत्री बने राजनाथ पहली बार आधिकारिक दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे हुए हैं। ठीक उसी तरह गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद से ही लगातार बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह एक्शन मोड में हैं। आंतरिक सुरक्षा पर सोमवार को अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, आईबी और रॉ चीफ, गृह सचिव समेत कई अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद अमित शाह सभी अर्धसैनिक बलों के महानिदेशकों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने पैरामिलिट्री फोर्सेस की रिव्यू मीटिंग ली, सभी अर्धसैनिक बलों के महानिदेशकों से अलग अलग मुलाकात की। बीएसएफ के महानिदेशक से अमित शाह ने भारत पाकिस्तान सीमा और भारत बांग्लादेश सीमा से जुड़ी वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। इसके बाद सीआरपीएफ के महानिदेशक से गृह मंत्री कश्मीर, अमरनाथ यात्रा और आंतरिक सुरक्षा पर जानकारी ली। बीएसएफ और सीआरपीएफ के महानिदेशकों के साथ बैठक लेने के बाद अमित शाह आईटीबीपी के महानिदेशक से मुलाकात की और भारत चीन सीमा से जुड़ी जानकारी ली। इसके अलावा अमित शाह एसएसबी से भारत नेपाल सीमा की यथास्थिति की जानकारी इकट्ठा की। गृह मंत्री का चार्ज लेने के बाद से अमित शाह एक्शन में हैं। रविवार को अमित शाह ने नेशनल पुलिस मेमोरियल पहुंचकर जवानों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने म्यूजियम का मुआयना किया। शनिवार को अमित शाह ने गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। गृह सचिव राजीव गाबा के अलावा मंत्रालय के सभी 19 डिविजन्स के ज्वाइंट सेक्रेटरीज ने कामयाबियों और चुनौतियों के बारे में शाह को ब्रीफ किया। बीते दिनों गृह मंत्रालय का चार्ज संभालने के बाद शाह ने ट्वीट कर कहा था, आज भारत के गृह मंत्री के रूप में पदभार संभाला, मुझ पर विश्वास प्रकट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करता हूँ। देश की सुरक्षा और देशवासियों का कल्याण मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मोदी जी के नेतृत्व में मैं इसको पूर्ण करने का हर संभव प्रयास करूंगा। कुल मिलाकर मंत्रियों के एक्शन से ये बात कही जा सकती है कि मोदी सरकार काफी सक्रिय है। अब देखते हैं आगे क्या होता है।